और सीधे आपको लिए चलते हैं इंदौर, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कार्यक्रम में आज शामिल हुए हैं, गुरु पूर्णिमा पर्व के मौके पर संबोधित कर रहे हैं। भारत को सबसे धनी देश देखना चाहता हूं, या ऐसे किसी ने कामना की नहीं तो फिर गुरु का बनने की इच्छा होना या गुरु को रूप में होना, तो ये बिना कहे भी जैसे भावना होना, ये उसी गौरवशाली अतीत से जोड़ना चाहती है। हमारी गुरु परंपरा समूची मानवता को धन्य करने वाली परंपरा है, मुझे इस बात का भरोसा है। इसलिए उस मानवता को सच्चे अर्थों में जानने की संस्कृति दुनिया में कहीं सबसे प्राचीन संस्कृति है, तो हमारी भारतीय संस्कृति जो गुरु परंपरा को लेकर चलती है उसको पुनर्स्थापित करने का अभियान चलता है। और इसीलिए अब ये बड़ी कठिनाई बात है कि देश की आज़ादी के बाद ये दुविधा हो गई, पर या उनके जन्मदिन के अवसर पर शिक्षक दिवस हुआ तो शिक्षक दिवस होना अच्छी बात है, लेकिन गुरु पूर्णिमा कहाँ चली गई? तो गुरु पूर्णिमा का अपना महत्व है, शिक्षक दिवस का अपना महत्व है। आप गुरु और शिक्षक में भी अंतर करने जाओगे तो ये भी बड़ा अलग अलग ढंग से लोग बताते हैं। कई सारे विषय माने विद्वान त्रिपाठी जी ने बहुत अच्छे विस्तार से कहा। मैंने भी पूछा था कि दोनों में से अंतर बताओ, तो कहने का जो पाठ्यक्रम पढ़ाए वो शिक्षक, सिलेबस से पढ़ाए वो शिक्षक, और सिलेबस के अंदर बाहर अर्थात न और छोर मिले वो गुरु। सिलेबस के पहले भी दिखाई दे और सिलेबस के बाद भी दिखाई दे, ये अपने अपने जैसे ये उसी प्रकार से है ना कि फल और बीज में से पहले कौन आया? बीज नहीं होता तो फल कहाँ से आता, और फल नहीं होता तो बीज कहाँ से आता? हमारी जिज्ञासा हो सकती है ना समाधान की दृष्टि से। अब इसको हम कुछ उदाहरणों से समझ लें वर्तमान के दौर में, कि हमारे यहाँ मैं इस बात के लिए शुरू से इस पक्ष में रहता हूँ कि मकर संक्रांति, तो मकर संक्रांति हमारी खास करके बहनों के लिए, महिलाओं के लिए, सुहागन स्त्री के लिए, ये हमारे एक एक त्यौहार हमारी उस जड़ों से जोड़ते हैं जिसकी आवश्यकता है। तो मकर संक्रांति केवल हम पुरुष पतंग उड़ाएंगे ऐसा नहीं, तो हमारे यहाँ बहन बेटी कोई भी गरीब से गरीब भी होगी, वो पांच प्रकार के सामान तो कोई को देने में विश्वास करती है ना, तो बांटो जियो और जीने दो, कोई सिद्धांत का सबसे अच्छा उदाहरण अगर कहीं है तो मकर संक्रांति का उत्सव है। हमको ध्यान में आता तो क्यों नहीं मनना चाहिए मकर संक्रांति? हमने 7 दिन का उत्सव हमारी सरकार ने मनाया, गुड़ी पड़वा बाद में आती, तो गुड़ी पड़वा ये हमारा वर्ष प्रतिपदा का बड़ा विशेष महत्व है, ये क्यों नहीं होना चाहिए? ऐसे गुरु पूर्णिमा का हिस्सा है। गुरु पूर्णिमा के अंदर जाएंगे तो अपन बहुत आगे की बात तो विद्वान बताएंगे, लेकिन कुछ उदाहरण तो हमारे सामने है ना। अब स्वामी विवेकानंद का हमारे सबके सामने उदाहरण है, अगर रामकृष्ण मिशन के संस्थापक, या अब तो संस्थापक तो विवेकानंद जी है, लेकिन उनके गुरु कौन है? तो अब ये कॉलेज से जुड़े हुए विषय के प्रसंग में ध्यान में आ जाएगा, BSc किए हुए थे विवेकानंद जी, लेकिन उनको ध्यान में क्या आया कि कौन गुरु, और गुरु से उनने क्या कल्पना की, भगवान के दर्शन कराओ और क्या क्या सब विवेकानंद को पढ़ा सब लोगों ने, लेकिन रामकृष्ण अगर विवेकानंद के जीवन में नहीं आते तो उनकी जिज्ञासा का समाधान होता क्या? विवेकानंद विवेकानंद बन सकते थे? समर्थ रामदास शिवाजी के जीवन में नहीं आते तो शिवाजी का पूरा चरित्र हमारे सामने आता है क्या? और आगे चलो, हमारे सामने भगवान कृष्ण का जीवन सबके सामने है, भगवान ने बड़ा पराक्रम किया, बिल्कुल गोकुल वृंदावन से आकर के कंस को मारा, कंस की सत्ता, लेकिन एक बड़ा काम तो उस समय भी उन्होंने किया कि कंस को मारने के बाद भी भगवान कृष्ण ने स्वयं ने सत्ता नहीं पकड़ी, उनका स्थान तो उच्च हुआ, लेकिन फिर भी तत्समय के सभी लोगों ने विचार किया कि ये आए ग्रामीण अंचल से, गाँव से आए, तो इनकी शिक्षा दीक्षा होना चाहिए, तो शिक्षा की महत्ता हमारे समाज ने फिर स्थापित की और उग्रसेन महाराज को कुर्सी दे दी, लेकिन इनको पढ़ने के लिए भेजा। और ये बड़ा अच्छा प्रसंग है, मैंने कहीं इसको लिखा भी, आपने ध्यान भी आया होगा कि हमारे गुरु के रूप में आचार्य सांदीपनि का जीवन, ये भी सबके सामने आना चाहिए। आचार्य सांदीपनि ने ये मान के चलो, पहले तो उनका बनारस में आश्रम था, लेकिन कंस ने जब सत्ता पकड़ी तो सत्ता पकड़ने के बाद जैसा होता है, जैसे अभी अफगानिस्तान की घटना होगी और ऐसे देश जब अशांति के दौर से निकलते हैं तो सत्ता के सूत्र ऐसे उल्टे पुल्टे लोगों के हाथ में आते, तो फिर वहाँ सब व्यवस्था ध्वस्त हो जाती। तो हमने वो दौर की कल्पना करो, जब कंस आ गया तो कंस के कारण से सांदीपनि जी अपना गुरुकुल उकुल ख़त्म करके वो भी अपनी पत्नी के साथ छोटे बच्चे के साथ देश की तीर्थाटन पर निकल पड़े,
अपन जिसकी सरल भाषा में बोलो कि देव दर्शन करने निकल गए और घूमते घूमते वो चले गए वर्तमान के प्रभास पाटन द्वारका के हिस्से में। और जैसे अभी 1947 तक था कि हमारे देश में जब अंग्रेजों का शासन था तो अकेले अंग्रेज नहीं थे, पुर्तगाली थे, फ्रांसीसी थे, जो जो जिसको जहाँ मिला वो अपने अपने कब्जे अड्डे बना के बैठे थे। तो ये 5-7 प्रकार की विदेशी ताकतें अभी 47 में भी थी। ऐसे उस दौर में भगवान कृष्ण जब वहाँ, वो ये कल्पना करो कि सब सांदीपनि जी घूमते घामते पहुँचे तो सांदीपनि जी के साथ में छोटा बच्चा था और छोटे बच्चे को तो ठीक है, लेकिन वहाँ जो लोग थे वो जामनगर अभी कहते हैं, लेकिन जाम को अब ऐसा भी मानते कि अपभ्रंश हो गया। कई बार मैं पंडित तो नहीं हूँ लेकिन जानकारी के साथ तालमेल जोड़ते हैं लोग, तो कहते थे भगवान कृष्ण गुरु दक्षिणा देने के लिए यम से ऊपर से स्वर्ग में गए और वहाँ से लड़ाई करके लेके आए और उनको गुरु दक्षिणा में अपने पुत्र को सांदीपनि जी को दे दिया। अब हम व्यावहारिक रूप से देखें कि भगवान अगर स्वर्ग में जाके करते तो फिर वो कृष्ण बन के क्यों आए, विष्णु भगवान के रूप में निपट लेते, कंस वंश को पैदा ही नहीं होने देते। काहे की कहानी है, जब वहीं से करना है तो फिर यहाँ क्यों आना है। तो भगवान ने यथार्थ में मनुष्य रूप में जन्म लेकर के अपने एक एक कदम से इस अन्याय के खिलाफ, अधर्म के खिलाफ, श्रेष्ठता के लिए जो लड़ाइयाँ लड़ी, जो उनके पुरुषार्थ का पराक्रम है, वो सबके सामने आना चाहिए। और इसीलिए भगवान कृष्ण ने जब शिक्षा ग्रहण करने सांदीपनि के आश्रम में आए, तब तक मैं जो बता रहा था कि सांदीपनि जी वो जो प्रभास पाटन का क्षेत्र में यम नाम की जाति के लोग थे वो इस देश के नहीं थे और एक तरह से आतंकवादी मान लो। उनने पकड़ा, सांदीपनि जी की ख्याति प्रसिद्धि तो थी कि हमारे बच्चों को सिखाओ, आपको ये 64 कला 14 विद्या सब आती है। जैसे आज का कोई परमाणु वैज्ञानिक अपना अगर पाकिस्तान की बॉर्डर से निकले